एक्टर अक्षय ओबेरॉय जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर लाइव आए तो उन्होंने कई सारी बातें हमारे साथ शेयर की। अक्षय ओबेरॉय ने अपने इंडस्ट्री में 10 साल के सफर के बारे में बात की। जी हां, अक्षय कहते हैं कि उन्हें खुद पर गर्व है कि इन 10 सालों में भले ही स्टार नहीं बन पाए, लेकिन उन पर एक्टर का ठप्पा जरूर लग गया है। आइए देखते हैं अक्षय ओबेरॉय इंडस्ट्री में सक्सेस को कैसे देखते हैं और स्टार बनने के लिए उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। चाइल्ड एक्टर मैंने अमेरिकन चाय की थी परेश रावल के साथ, पर वो मतलब मैं 15 साल का था उस वक्त और मैं स्टडी ही कर रहा था। तो मैं एक्चुअली मेरा करियर स्टार्ट होता है मेरे हिसाब से 2010 में। जो तो एक पूरा आप एक पूरे दशक के एक्टर अब हो गए हैं, 10 साल के हो गए हैं, उसकी भी आपको बधाई। ये पूरे 10 साल का अगर मैं ये देखूं अक्षय, तो हम ना इस पे बात हमें करनी चाहिए क्योंकि आप इतने हैंडसम हैं, इतने क्यूट हैं, लड़कियां आप पे फिदा हो जाती हैं तुरंत। सब बहुत अच्छा है, आपका तलफ्फुज बहुत अच्छा है, चॉइस बहुत अच्छी, हमने आपका अभिनय देखा है वो भी बहुत खूबसूरत है। इन 10 सालों में सबसे पहले तो मैं आपके शब्दों में आपका सफर जानना चाहूंगा और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्यों कोई भी सी एक फिल्म नहीं मिली आपको या दो चार फिल्में नहीं मिली जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे, ऐसी क्या वजह थी, कौन सी चीजें हैं जो इतने बेहतरीन कलाकार जो इतने काबिल हैं उसको रोकती हैं वो चीजें। यार थैंक यू, आप ऐसे बोल रहे हो मुझे, मतलब अच्छा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आपसे कह रहे हो कि यार शायद मुझे ऐसी बड़ी फिल्म नहीं मिली जो मतलब मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े अभी तक, 100 करोड़ की फिल्म नहीं बनी। और हमारी इंडस्ट्री देखो एक आर्ट है लेकिन एक धंधा भी है, और जो चीज मतलब 100 करोड़ नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि लगातार फिल्में नहीं मिलती हैं। आप किस्मत कह लो उसको, आप मतलब कुछ भी कह लो उसको, आप मतलब ये नसीब कह लो, मैं नहीं जानता। लेकिन 2020 में मैंने ये एक तय कर लिया है कि देखो मैं 10 साल में मुझे जो जिस प्रकार की फिल्में मिली हैं, मुझे जिस प्रकार के रोल्स मिले हैं, हर एक को वो भी नसीब नहीं होता है। मैंने अलग अलग, मैंने एक हॉरर फिल्म की है, मैंने एक थ्रिलर फिल्म की है, मैंने एक कॉमेडीज की है, मैंने रोमांटिक फिल्में की है, और उसमें लगभग मेरा काम सब में पसंद आया लोगों को और क्रिटिक्स को। ये सबकी मतलब सबको अप्रिशिएट, मतलब सबको ये अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। जो एक्टर का ठप्पा जब लगता है किसी पे, वो बहुत कम एक्टर्स पे लगता है, और मुझे, मैं बहुत खुश हूँ कि इन 10 सालों में मुझे इंडस्ट्री ने ये ठप्पा लगा दिया कि एक्टर है, मतलब स्टार वगैरह छोड़ ही दो, एक्टर ये बंदा, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यस ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हाँ एक ना एक दिन तो मैं 100 करोड़ की फिल्म एक तो दे दूं, मतलब एक तो ऐसी फिल्म आ जाए जहां मैं मतलब पूरी चर्चा पूरी दुनिया कर रही उस फिल्म के बारे में, और होगा क्यों नहीं होगा। लेकिन 2020 में मैंने ये तय कर लिया कि रिजल्ट छोड़ दो, मेहनत करते रहो, एक्टिंग पे ध्यान देते रहो, अपने अंदर जितना इजाफा ला सकते हो लाते रहो, और वो छोड़ो मत, अपने कला पे फोकस करो, रिजल्ट छोड़ दो। तो अब मैं ये थॉट लेके आगे बढ़ूंगा पिछले अगले 10-20-30 साल तक कि मैं रिजल्ट के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा, अलग अलग रोल्स करूंगा, अपने आप को चैलेंज करूंगा, और मैं और बेहतर एक्टर बनने की कोशिश करूंगा, बाकी मेरे हाथ में कुछ है नहीं। बिल्कुल, आप बेहतर एक्टर हैं, क्या इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर काम आपको और बेहतर बनाएगा। लेकिन क्या कभी आपको लगता है कि मैं जिस ड्यू की बात कर रहा हूँ आपके करियर में इन 10 सालों में सब कुछ होने के साथ, क्या कभी कभी ज्यादा काबिल होना भी आपको कोई डर जाता है आपसे, और कई बार ऐसी फिल्मों का हिस्सा आप बनते बनते रह जाते हैं क्योंकि आप ज्यादा काबिल हैं, क्योंकि आप ज्यादा हैंडसम दिखते हैं, और शायद किसी के साथ आप कास्ट हो रहे हो तो उनको लगता है कि कहीं ये पूरा चार्म इसको ना मिल जाए क्योंकि इसका डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है, हैंडसम दिखता है, यू नो, और वो अपने स्टारडम का प्रयोग करके आपको उस फिल्म से निकलवाते थे, क्या ऐसा भी होता है? यार ऐसे होता तो है, देखो मेरे साथ हुआ है नहीं हुआ है मैं जान नहीं सकता क्योंकि पीछे क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता है। दूसरे एक्टर्स के बारे में मैं जानता हूँ, जो दूसरे मेरे करीब दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बहुत मतलब बहुत गुड लुकिंग खूबसूरत लोग हैं, उनके साथ हुआ है, देखा है मैंने। लेकिन अब इसका कोई हमारा कुछ हाथ नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। तो इसके बारे में फोकस करना भी बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इसमें एनर्जी जाया नहीं करना चाहिए, आपको बस अपना काम करना चाहिए। बट यू आर राइट, मतलब मैं या आपके शो पे या आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे होता है।
लेकिन जो बड़ा स्टार है वो भी उतना काबिल है कि वहां तक वो पहुंच गया है और लोगों के दिल में बस गया है और वो भी अपनी पोजीशन बना के रखा है और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पोजीशन से ना हिलूं। कंपटीशन है एक लिहाज का और सब वही चाहते हैं। तो एज आई सेड, ये डेस्टिनी कह लो, नसीब कह लो, जो भी कह लो, पर हमारे हाथ में है नहीं, तो इसमें एनर्जी वेस्ट करना मतलब अच्छा नहीं लगता।